अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर लेंगे और हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 गैसेस। गैसेस के जो स्टार्ट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इनको स्किप कर रहे हैं। हमने स्टार्ट लेना है गैस लॉज से, तो देख लेते हैं कि व्हाट आर गैस लॉज। गैस लॉज को अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि कॉमन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर चेंज करें, किसी गैस का प्रेशर चेंज करें, किसी गैस का वॉल्यूम चेंज करें, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर भी चेंज होता है। अगर आप एक फिज़िकल कंडीशन चेंज करते हैं तो आपकी सेकेंड फिज़िकल कंडीशन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होती है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ें इंटरलिंक्ड हो रही हैं, एक आपका टेम्परेचर और दूसरा आपका वॉल्यूम। इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ का वॉल्यूम कम करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस सब को आपने पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सम लॉज दैट आर कॉल्ड गैस लॉज। ठीक है जी, गैस लॉज में बहुत सारे लॉज हैं जो आप पहला स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है जी? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। बड़ा ही आसान सा है, इसका मतलब क्या है, पहले भी आप लोग बॉयल्स लॉ पढ़ के आए हुए हैं। बॉयल्स लॉ में होता इस तरह से है कि अगर आप ये फिगर देखें तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। अगर आप इसके ऊपर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखते हैं तो इसका वॉल्यूम 1 dm³ है। बट अगर आप इसको प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन है, ये इसका ढक्कन है, ये पिस्टन नीचे को मूव करेगा। जब ये पिस्टन डाउनवर्ड आएगा तो ये वॉल्यूम ऑटोमेटिकली यहाँ से चीज़ ऊपर को मूव करेगी, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, वहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर था, यहाँ पर 4 एटमॉस्फेयर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले वॉल्यूम इतना था आपके पास और अब वॉल्यूम इतना रह गया। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर वॉल्यूम कम तब होता है जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं। तो जब एक वैल्यू को बढ़ाया जाए और दूसरे को कम किया जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी चीज़ को उसने इस तरह से लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये कंडीशन कब होगी? जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर किसी चीज़ का चेंज नहीं होना चाहिए। जितने भी गैस लॉज हैं उसमें बेटा अगर आप दो चीज़ें चेंज करते हैं तो तीसरी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो आपके पास कांस्टेंट क्या चीज़ होगी? टेम्परेचर। जबकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमेशा ही कांस्टेंट होंगे। मतलब कि जितना मैस आपने पहले लिया है गैस का, जितने मोल्स उसके पहले लिए हैं उतने ही मोल्स उसके बाद में भी होने चाहिए। जितना टेम्परेचर उसका पहले है, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बाद में भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन पर जो आप वॉल्यूम लेंगे दैट वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आ गया, दैट इज़ के अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो प्रेशर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू के। के इज़ अ कांस्टेंट। व्हाट इज़ के? के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये के की वैल्यू है दैट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ गैसेस। जितनी आप गैस की अमाउंट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग के की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप एक गैस ले रहे हैं उसका पहले प्रेशर कुछ और है, फिर वॉल्यूम भी होगा जैसे ये है, फिर दोबारा उसमें आप कंडीशन चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, तो आप एक को कहते हैं P1V1 इनिशियल कंडीशंस को, दैट इज़ इक्वल्स टू K, फाइनल कंडीशन P2V2 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू K। तो जब ये दोनों के एक इक्वल हैं देन P1V1 वुड बी इक्वल टू P2 × V2। अब इसको हम सेकेंड वे में भी डिफाइन कर सकते हैं बॉयल्स लॉ को, और वो कैसे डिफाइन करते हैं? बॉयल्स लॉ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो P × V इज इक्वल्स टू K, तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। ये दो वैल्यूज हमने इसलिए ऐड की क्योंकि ये यहाँ पर हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट हैं। तो इस तरह से ये आपकी बॉयल्स लॉ की डेफिनेशंस हैं और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है।
नेक्स्ट हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं बॉयल्स लॉ की। और ये जो तीन फिगर्स ड्रॉ हैं ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किए। इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक मूवेबल पिस्टन लिया कि ये जो पिस्टन है, ये जो ढक्कन है, ये मूव कर सकता है। उन्होंने पहले इसके ऊपर एक वेट रखा 2 एटमॉस्फेयर का, तो वॉल्यूम ऑब्जर्व हुआ 1 Dm³ और टेम्परेचर 25 था। फिर 25 ही टेम्परेचर पर उसने जो प्रेशर था वो 2 प्रेशर रख दिए ऊपर, वेट 2 कर दिए, 2 वेट रखने से प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर हो गया और वॉल्यूम आपके पास 0.5 Dm³ आ गया। नेक्स्ट उसने दोबारा से एक और प्रेशर रख दिया, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गए, तो वॉल्यूम देखने में आया कि 1/3 Dm³ आ गया और टेम्परेचर सब में सेम है। तो इसको उसने फिर कैलकुलेट किया, उसने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया कि P1V1 इज इक्वल्स टू प्रेशर, फर्स्ट केस में आपके पास कितना था बेटा 2 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू लगाई 2 एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाई किया उसने उसी के वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना था 1 Dm³, तो 1 Dm³ यूनिट्स आप लिखेंगे साथ साथ। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 1s are 2, यूनिट क्या निकलेंगे Dm³ एटमॉस्फेयर और इट इज़ इक्वल टू के, P1V1 इक्वल टू के होता है ना, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 Dm³ एटमॉस्फेयर्स। फिर उसके बाद वो सेकंड कंडीशन लेता है P2V2, इसमें P2 आपके पास 4 एटमॉस्फेयर है और V2 आपके पास 1/2 Dm³ है। देख लीजिए जब P2V2 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर फिर से 2 Dm³ आ गया, तो ये फिर से K की वैल्यू है। थर्ड कंडीशन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर हो जाता है और वॉल्यूम 1/3 Dm³ हो जाता है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s are 2, 3 2s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो आपके पास दोबारा से 2 वैल्यू आ जाती है। सबके केस में जब आपने P और V को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 2 ही आ रहा है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड के, हैंस बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ के रिमेन्स द सेम फॉर द सेम क्वान्टिटी ऑफ अ गैस एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पर हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसमें देखिए वो कहता है गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 Dm³। तो इनिशियल वॉल्यूम उसने कितना बता दिया है जी 10 Dm³, दैट मीन्स V1 इज 10 Dm³, और वो कहता है कि टेम्परेचर था उसका 0°C। तो बेटा याद रखिए जितने भी गैस लॉज आप यूज़ करेंगे आप वहाँ पर सेंटीग्रेड का यूनिट नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप 0° को कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, कैसे 273 उसमें ऐड कर देंगे, तो T1 आपके पास आ जाता है 273 केल्विन, और प्रेशर वो बता रहा है दैट इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर्स, तो P1 इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर्स। फिर इस गैस को एक्सपेंड किया जाता है और एक्सपेंड करते हैं यहाँ तक कि नया प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो जाए, तो P2 इज 2 एटमॉस्फेयर्स। व्हेन व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, तो V2 जो है वो आपने बताना है। इफ़ द टेम्परेचर मेंटेन्ड एट 273, तो टेम्परेचर 273 ही रहेगा। यहाँ पर बेटा फ़र्क ये है कि पहले वो सेंटीग्रेड में कहता है तो वो ज़ीरो बता रहा है, बाद में वो केल्विन में कह रहा है तो 273 बता रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगाएंगे बेटा, हम बॉयल्स लॉ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और बॉयल्स लॉ था क्या, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ठीक है जी, व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, तो अब वो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं कर रहा, वो टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा, तो हम एग्जैक्टली बॉयल्स लॉ लगाएंगे। बॉयल्स लॉ जब हम लगाते हैं तो वो पूछ रहा है V2, तो V2 विल बी इक्वल टू P1V1/P2, ये वाला P2 इधर जाके डिवाइड हो गया। आप वैल्यूज लगाएंगे विद यूनिट्स, आपने यूनिट्स ज़रूर लगाने हैं साथ में, तो P1 था 2.5 एटमॉस्फेयर, V1 था दैट वाज 10 Dm³, और P2 आपके पास 2 एटमॉस्फेयर्स, तो आपने जब इस सब को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आता है 12.5 Dm³। ठीक है जी, क्योंकि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर से कट जाएगा और यूनिट सिर्फ Dm³ का बचेगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इनिशियल प्रेशर वो 2.5 ले रहा है, फाइनल वो 2 ले रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है कम, तो जब प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम 10 था पहले, बाद में क्या हो गया 12.5, तो बॉयल्स लॉ बिल्कुल यहाँ पर फिट आ रहा है। बाकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ है इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। आपने ये सारा जो आज रीड किया है इसकी प्रैक्टिस करनी है,
इसको डिराइव करना है, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से तैयार करने के बाद, क्योंकि आपके कुछ दिन में टेस्ट भी होंगे, तो उसके लिए आपने साथ साथ में कवर करना है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लाइन इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे।